छतरपुर एक्सप्रेस। नमस्कार, छतरपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं छतरपुर एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छतरपुर एक्सप्रेस से जुड़े रहिए। सिसोलर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले संतोष पुरवा में आजादी के 76 सालों बाद भी नहीं बन पाई है सड़क। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं की लगाए जमकर नारे। कहा आगामी विधानसभा चुनाव को करेंगे मतदान बहिष्कार। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में जनता अपने नेताओं का हिसाब किताब खोलने में लगी है। छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक राजेश प्रजापति हैं। उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत सिसोलर अंतर्गत संतोष पुरवा का शख्स सामने आया है। यहाँ गांव के लोगों की जरूरत पूरा करने वाली सड़क 5 साल में नहीं बन पाई है। इस गांव के लोगों ने अब तक कई बार अपन के माध्यम से उच्च अधिकारी तक अपनी बात रखी है और वर्तमान विधायक राजेश प्रजापति सहित SDM गोरियार तक बताया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए अब समस्त ग्रामवासी चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के 76 वर्ष पूरे होने के बाद भी आज ग्राम में सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के लिए ग्रामवासी तरस रहे हैं। जनपद गोरियार पहुँचने के लिए रोड न होने के कारण ग्रामवासियों को आवागमन करने में बड़ी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बरसात के मौसम में कीचड़ और गंदे पानी के भराव के कारण खेतों से निकलना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जमा पानी से अनेक प्रकार की संक्रमण संबंधित बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। एक ग्रामीण ने कहा कि अगर कोई ग्रामीण बीमार होता है या प्रसव के लिए एम्बुलेंस के निकलने तक के लिए ग्राम में जगह नहीं है, ना ही सड़क का निर्माण किया गया है। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक पर गांव की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि यह समस्त ग्रामवासियों का निर्णय है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। रहने वाले दादा, ये रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगा रहे हो आप, किन समस्याओं को लेकर के आपको ऐसे नारे लगाने पड़ रहे हैं? इसलिए कि हमारे यहाँ कोई रास्ते नहीं है तो इसलिए लगा रहे हैं। यहाँ लड़क देखा थे हम बता क्या रहे, हमारे यहाँ कुछ हुआ था जब हमारी जान जा रही है, हमारी समस्या यही है कि रोड नहीं मिलेगा तो वोट नहीं मिलेगा, जो प्रत्याशी यहाँ आएगा तो यहाँ से भगा दिया जाएगा। रोड नहीं है आपके गांव में, हमें रोड चाहिए बेटा, तो यहाँ लेके जाए। कोई भी महिला गर्भवती है, यहाँ मरने की समस्या है, यहाँ गाड़ी नहीं आ रही, कोई आदमी बीमार पड़ा है, यहाँ मर रहा है, कोई नहीं आ रहा, ना डॉक्टर आ रहा, ना अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। एक भी यहाँ के कहाँ से हुआ हुआ की बन जाए। यहाँ 500 वोटेंगी, अब वोट मांगे आते हैं, हम वोट नहीं देंगे। यहाँ रोड नहीं है तो वोट नहीं है, बस जब रोड बनेगा तभी वोट है। कहाँ के रहने वाले भैया? संतोष, क्या समस्या है भैया? यहाँ रोड नहीं है। रोड की समस्या आप लोगों को? संतोषपुरा के रहने वाले भैया, रोड नहीं है तो यहाँ वोट नहीं है। मतलब आप अगर आप लोगों को रोड नहीं मिलेगा तो वोट मिलेगा, रोड बन जाएगी तो वोट देने जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जाएंगे। जब रोड नहीं मिलेगा, क्या नाम है माता राम? रामकाली। नारे क्यों लगा रही हैं? क्या कारण नारे ना लगा मैं? वोट मरा थे हैं, मरे धरे हैं, देख ले इसी डंटर गिर गए हैं तो खपड़ी फाट बची कर ही टूट गए, हाथ टूट गया है, गांव में लड़का धर के लगे हैं। अब कहे ना नर्यान, हम नहीं वोट देंगे, यहाँ कोई हमारे लिए विकास नहीं है, हम उतनी दरी मरी डोकरिया वहाँ औंठा लगा में जान, जब हमें दाना मिलता है हमें दाना नहीं, 10 किलोमीटर हम लेंगे लाएगे, बीमार आदमी हम खटोले में डरे हैं। हमारे एक लड़का है अस्पताल में, लड़का लाइडर हो, हमें नाती गिर गया है, पाँव टूट गया है, बिटिया का है पाँव टूट गया है, गिर पड़ी है, चराने नहीं जा पा रहे हैं बिना साधन की, साधन ही जाएगा तो ट्रैक्टर ये गाड़ा जाएगा। कितने किलोमीटर तक की ये सड़क खराब? 3 किलोमीटर तो है ही। कहाँ सड़क जोड़ती है ये आपको? ये जैवरन, जैवरन से सही है रास्ता? जैवरन से सही है। तो आप लोगों की मांग क्या है कि जैवरन तक सड़क बन जाए? बन जाए। कितने सालों से मांग कर रहे हैं आप लोग? यहाँ तो कम से कम 50 वर्षों से हुआ है। क्षेत्रीय विधायक को अवगत करवाए संबंध में? हजारन बार। क्या कहना है उनका? कह रहे हैं कि बनवाएंगे, बस ये जहाँ वोट पड़े सो यहाँ कोई नहीं सुनाई है। 5 साल तो उनके हो गए, उनने विधायक की कर ली, अब कब बनवाएंगे? दोबारा विधायक बनने के बाद? हाँ, दोबारा विधायक के बाद बनवाएंगे, जो बनवाएंगे, नहीं बनवाएंगे तो
अब कहा विधायक हमें वोट ही नहीं डालना जाना है, वोट नहीं देंगे आप लोग? नहीं देंगे, हम हड़ताल मचा देंगे, हड़ताल मचाएंगे। हमारा कोई सुन नहीं रहा है, जब हमारी एक पैसा की वैल्यू नहीं है तो वोट डाले का हम अधिकारी थोड़ी है। आपसे अभी हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, हम अपने तकनीकी अमले को भेज करके रोड का निरीक्षण कराएंगे और उसमें जो भी नियमानुसार हमको सुविधाएं दे सकते होंगे उसके लिए हम अपने वरिष्ठ कार्यालय को लेकर के और स्वीकृति कराने का प्रयास करेंगे।